साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। झांसी के बबीना कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निषाद राजगुरु जयंती धूमधाम से मनाई गई। सबसे पहले शिव मंदिर बड़ा तालाब बबीना में भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों का सम्मान किया गया। इस दौरान धार्मिक वक्तव्यों में निषाद राज के चरित्र पर प्रकाश डाला गया। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किए गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि वीरेंद्र सिंह यादव उर्फ वीरू भैया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पलविंदर सिंह नंदा, मंडल अध्यक्ष भाजपा मनोज साहू, महामंत्री गोविंद रायकवार, नरेंद्र तिवारी, सौरभ गुप्ता द्वारा भगवान के स्वरूपों की आरती उतार कर कार्यक्रम को प्रारंभ कराया गया। आरती के बाद बड़ा तालाब से महाराज निषाद राजगुह जयंती को प्रारंभ किया गया, जिसने पूरे नगर में भ्रमण किया। शोभा यात्रा बबीना मेन रोड, स्टेशन रोड, चुंगी नंबर 2 आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए वापस बड़ा तालाब पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भगवानों के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां निकाली गईं, जिसमें सबसे आकर्षण का केंद्र नाव पर बैठे भगवान श्री राम व सीता माता थे, जिनको महाराज निषाद राजगुह नाव से ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। जगह जगह शोभा यात्रा का नगर के लोगों ने भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा में आगे भगवान महाराज निषाद राजगुह जी की नाव चल रही थी व पीछे शंकर जी, गणेश जी आदि भगवानों के स्वरूपों की झांकियां चल रही थीं। डीजे की धुन पर लोग थिरकते नजर आए। अंत में रायकवार समाज द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद चखा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।